प्रश्न संख्या 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है। इस प्रश्न में बच्चों एक तंबू बनाया हुआ है। तंबू का जो नीचे का भाग है वो बेलनाकार है और उसके ऊपर का जो भाग है वो एक शंकु के आकार का है। यहाँ पर हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है और शंकु है जो ऊपर का भाग उसकी तिर्यक ऊंचाई में दी हुई है। हमें ये बताना है कि इस तंबू को बनाने में कितना कैनवस लगेगा। ये तंबू का जो नीचे का भाग है बेलनाकार भाग, अब इसके ऊपर एक शंकु इस तरह का शंकु लगा हुआ है, इस तरह का भाग है ताकि बारिश आए तो पानी वो नीचे गिर जाए, इसके ऊपर इकट्ठा ना हो। अब हमें दिया हुआ ये है कि जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक ₹2.1 मीटर है और इसका जो व्यास है यहां से लेकर के यहां तक ये व्यास दे रखे हैं हमें 4 मीटर। साथ ही जो शंकु है इसकी जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई होती है ये वाली, इसको हम L मान लेते हैं, ये हमें दे रखी है 2.8 मीटर। हमें इस तंबू को बनाने में जितना कैनवस लगा है उस सारे का उस कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कैनवस का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जमा इस शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल। इस शंकु का क्षेत्रफल आएगा और साथ में आएगा इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि नीचे आधार है उसको कैनवास से नहीं ढका गया है, तो ये भाग बचेगा और एक ये भाग है ये बचेगा क्योंकि तंबू है वो बार बार से इस तरह से ढका गया है, तो इस भाग को छोड़ देंगे और इस भाग को भी छोड़ देंगे हम। तो कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जमा शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहां से बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 4/2, 2 मीटर। तो इसी प्रकार यहां से शंकुआकार भाग है जो इस भाग की त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 2 मीटर, ये हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर। हम पहले निकालेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πRh, 2 × 22/7 r त्रिज्या, त्रिज्या यहां पर है 2 × h, ऊंचाई है 2.1, ऊंचाई हमें दी हुई है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 2.1 मीटर। अगर करेंगे 2 × 22/7 × 2 × 2.1 को लिखेंगे 21/10, काट देंगे इसको 7 से, 2 से इसको काटेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 22 × 6/5, 132/5 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे हम शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल। शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL 22/7 × r, त्रिज्या हमारे पास है 2 मीटर, गुणा L है 2.8। इसको हल करेंगे 22/7 × 2 × 2.8 को लिखेंगे 28/10, 7 से काट देंगे, 2 से, ये हमारे पास आ जाएगा 88/5,
वर्ग मीटर। हमने यहां पर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और शंकुआकार भाग के क्षेत्रफल को जोड़ करके ये निकाल दिया हमने 44 वर्ग मीटर। ये हमारे पास आ गया कैनवास का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है लागत। एक वर्ग मीटर कैनवास की जो लागत है वो है 500 रुपये और हमारे पास कुल है 44 वर्ग मीटर कैनवास। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास की कुल लागत हो जाएगी 500 × 44। ये हमारे पास आ जाएगा 22,000 रुपये। तो ये हो जाएगी इस कैनवास की कुल लागत। इस पूरे तंबू को बनाने में इतनी लागत आएगी। प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें एक ठोस बेलन दिया हुआ था। इस बेलन के अंदर से ये एक शंकु समान आधार और समान ऊंचाई का यह शंकु इसके अंदर से काट के निकाल दिया जाता है। तो इसको निकालने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति बच जाएगी। इस शेष भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस ठोस बेलन की हमें ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इसी व्यास और इसी ऊंचाई का यह शंकु इसके अंदर से काट के निकाल लिया जाता है। तो ये हमें एक तरह से ये निकालना है। इसके अंदर ये आएगा पूरा क्षेत्रफल और ये आएगा इसके अंदर का भी। यहां पर इसको हमने काट के निकाल लिया है तो ये घटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा। और नीचे का ये क्षेत्रफल ये सब इसके अंदर काउंट होगा। तो जो शेष बचा ठोस है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारे पास होगा इस शंकु का क्षेत्रफल, ये जो अंदर का अंदर से जो गड्ढा बन गया इस गड्ढे का क्षेत्रफल, इस शंकु का क्षेत्रफल जमा इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल जमा हो जाएगा नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि जो नीचे का भाग है ये पूरा भाग बचा हुआ है क्योंकि ये भाग कटा है, सिर्फ ये भाग पूरा है। तो इसका क्षेत्रफल, पूरे बेलन का क्षेत्रफल और साथ में इसे शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल है क्योंकि ये अंदर से कट चुके हैं, अंदर से जगह है इसके अंदर। तो अगर इसको हम एक तरह से पॉलिश करें तो उस पूरे बाहर पॉलिश करनी पड़ेगी, नीचे यहाँ पर पॉलिश करनी पड़ेगी और जो अंदर गड्ढा बन गया है इसके अंदर भी पॉलिश होगी। तो एक तरह से इसका क्षेत्रफल आएगा बेलन का, इस शंकुआकार भाग का और नीचे का जो आधार है ये जो इसका वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा इससे इस ठोस का क्षेत्रफल। बेलन की ऊंचाई दे रखी 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ये अंदर का जो गड्ढा बन गया इसका जो शंकुआकार भाग है। जमा होगा नीचे का जो वृत्त है इसका आधार है, कैसा है वृत्ताकार, तो नीचे के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh जमा शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल होगा πRL जमा वृत्त का क्षेत्रफल πR का वर्ग। इनके अंदर कॉमन ले लेंगे हम πR तीनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2H जमा L जमा R, πR हमने कॉमन ले लिया इसमें बाहर। और बेलन की त्रिज्या है 1.4/2 क्योंकि व्यास है 1.4, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 1.4/2। अंदर है 2 × h बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई दे रखी 2.4 जमा एल। अब यहां पर हमें एल निकालना, एल दे नहीं रखे, हमें एल को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एल का मान निकालेंगे, जमा आर त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2। एल का मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 6.25, क्योंकि यहां पर ये 5.76 है, ये हमारे पास है 5.76, इसका वर्गमूल ये हो जाएगा 625/100 वर्गमूल। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 100 का वर्गमूल 10, 25/10 या 2.5। तो एल का मान आ जाएगा 2.5। मान रखेंगे यहां पर, अतः हमारे पास शेष ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 0.5 को हटाएंगे, 14 नीचे आएगा 10, 2 पहले से है, अंदर हो जाएगा 2 × 2.4 4.8 जमा एल 2.5 जमा 1.4 को 2 से भाग देंगे, ये आएगा 0.7। हल करेंगे, इसको काट देंगे, 22/10 इनका जोड़ करेंगे, जोड़ करने पर आ जाएगा हमारे पास 8, 22/10 गुणा 8, अट्ठासी बटे 5 भाग देंगे इसको, यह आएगा 17.6 या लगभग में हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न करते हैं, नवा प्रश्न, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे, अब लकड़ी का एक ठोस बेलन था, उसके ऊपर और निचले दोनों सिरों पर से दो अर्ध गोलाकार भाग खोद करके निकाल दिए गए, फिर जो वस्तु बचेगी उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये बेलन की शेप की वस्तु थी, इसके दोनों सिरों पर से यहां से भी और यहां से भी अर्ध गोलाकार भाग काट के निकाल दिया गया है। तो काट निकालने के बाद आकृति हमारे पास इस तरह की बन जाएगी। हमें इस वस्तु का अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस बेलन का क्षेत्रफल जमा इन दोनों अर्ध गोलाकार भागों का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला जो भाग बचेगा इसका क्षेत्रफल, और ऊपर का जो भाग है ये इसका क्षेत्रफल, और साथ में इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, इसके चारों तरफ का, वो कहलाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर हमें दिया हुआ है कि इस बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या में दी हुई यहां से लेकर के यहां तक, ये त्रिज्या ये हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक, या ये कहें कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πRh, 2 × 22/7 आर, त्रिज्या हमारे पास है 3.5, ऊंचाई दे रखी है 10, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 35/10, 3.5 को लिख लिया 35/10, ये आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम अर्ध गोलों का क्षेत्रफल। दो अर्ध गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
दो पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर हमारे पास है दो, तो दो से कर देंगे गुणा, क्योंकि दो गुणे हमारे पास, चार पाई आर का वर्ग। यहाँ से हमने दशमलव को हटा दिया, 35/10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 220 जमा दो अर्ध गोलों का क्षेत्रफल 154, ये आ जाएगा हमारे पास 374 वर्ग सेंटीमीटर।